Hey guys, welcome back to our channel Delian Twins. We hope कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो गाइज, हम पैसा ड्रामा के एपिसोड 12 पर पहुंच चुके हैं। आज हम इसके ऊपर रिएक्शन देंगे। तो गाइज, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, साथ में एपिसोड 12 देखते हैं कि आगे क्या स्टोरी है, साथ में देखते हैं, एंजॉय करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। एक्टिंग है यार बंदे की, बहुत सही लग रहा है यार ये बंदा। ऐसे क्या देख रहे, रोज तो देखते हैं मुझे। हाँ देखता तो हूँ, लेकिन इतना हसीन नहीं। हजारों हसीनाएं मरती होंगी आप, मुझे कुछ नहीं बताते आप, राज रखते हैं मुझसे हर बात। जैसे तुम तो मेरे होते हुए रहती हो, मैं जाने के बाद भी ऐसे ही हसीन रहना। मत क्या करें, ऐसी बात है, आपको पता है आपके जाने के बाद मैं कितनी उदास हो जाती हूँ। जानती हो, हर वक्त मैं तुम्हारी जानिब ही लगा रहता हूँ। तुम्हारी खातिर तो सब कुछ छोड़ छोड़ के शहर में डेरे डाले हैं मैंने। दुबई का सारा बिजनेस डिस्टर्ब हो चुका है। तो फिर ना जाए, ना जाना इतना जरूरी है? घर में मैं अकेली हो जाती हूँ, और ऊपर से ये पहरे। अच्छा है, सब हट जाएंगे, बस मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा दुबई से। रहने दे आप, आप जाते ही अपनी लगा सपा को भूल जाते। मुमकिन नहीं है सर, बादे सपा को तो भूल सकता हूँ, लेकिन लैला सपा को नहीं। यही आपकी बात है ना, जो 24 घंटे मुझे आपकी याद से जोड़े रखती है। नसीब हूं मैं, बहुत महसूस होता है ऐसे। दोनों ही धोखा दे रहे हैं। दोनों को दोनों एक दूसरे के बारे में पता है। ये बहुत खतरनाक खेल खेल रहा है तू, अभी भी वक्त है, बाज आ जा, शायद तू जानता नहीं बेरोज करीम। तुम डरते नहीं, इसको तो पता है ना, ये तो इतने सालों से। मुझे सिर्फ गद्दारी के इल्जाम से खौफ आता है। मालिक बहुत मेहरबान है और उनके मुझ पे बहुत एहसान है। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जैसे ही आगा साउथ अफ्रीका से लौटेंगे, मैं खुद उनसे आंटी से मिलने की इजाजत ले लूंगी, लेकिन तब तक तुम्हें मेरा साथ देना होगा। इतना तो कर सकते हो ना मेरे लिए? बेचैनी हो रही है इसको, उसकी बातों में आ गया है। नहीं, ये सब ठीक नहीं है, ये डर भी रहा है और ये काम वो करना चाहता भी नहीं है, और फिर ये उसकी तरफ भी है यार। इसको भी मिलने दूं कि वो मालकिन को अपने खून के रिश्तों से मिलने की इजाजत देते, लेकिन क्या वो मुझे माफ कर देंगे इस गलती पर? एक मामूली नौकर कितनी बड़ी बात मान लेंगे? या खुदाया, मैं क्या करूं? डर भी रहा है और गलत सोच रहा है, मतलब फिर उसकी हेल्प भी करना चाह रहा है। इसे सोचना ही नहीं चाहिए इतना यार। साफ करो इसे। जी। जी मालिक। परेशान दिख रहा है, कोई परेशानी है? नहीं मालिक। कोई बात जो करना चाहते? नहीं, कोई पूछ लेता है। सोच लो फिर ना कहना कि मौका नहीं दिया। पक्का? पता है इसे भी है। पढ़ लिया है इसने परिजात को, कि वही कुछ चल रहा है इसके दिमाग में, छुपा रहा है कुछ।
इतना बेचैन है बंदा, घबराया हुआ है, क्या बोले यार किसी से। चला गया होगा वो साउथ अफ्रीका। कितनी खुश है ये, हाँ, आज बड़े दिनों बाद सजने सवरने का दिल चाह। भाई आगा बहरोज कहकर गए कि सिर्फ मेरे बाद भी हंसी लगा करो, तो उनकी बात से इनकार कैसे कर सकती हूँ। हाँ बस निकल रही। इसकी सही ड्यूटी लगा रखी है। पर परिजात वो काम कर नहीं रहा जिस काम के लिए इसको रखा है। ये गार्ड्स भी नहीं बताते कुछ। उनको तो यही लग रहा होगा ना कि परमिशन दे दी है, जब ये मतलब परिजात भी जा रहा है साथ में तो परमिशन दे दी है, तो जहां जा रहे हैं बस वहां में खड़ा रहना है। उन्हें कोई मतलब नहीं है कहां जा रहे हैं। मैं जल्दी आ जाऊंगी, फिक्र मत करो, और तुम यहाँ इंतजार मत किया करो, मुझे बहुत उलझन होती है। इंतजार से ज्यादा उलझन मुझे इस अमल पर होती है जो मैं मालिक से छुप कर रहा हूँ। मैडम ये आपने कहा था आखिरी दफा है, इसके बाद आप मालिक से खुद इजाजत लेंगी यहाँ आने की। हाँ हाँ ठीक है, मैं ऐसा करूँ नीचे चले जाओ, नीचे बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं कुछ खाने। जी ये बहुत टाइम लगा देती है, फिर ये परेशान हो जाता है। फायदा उठा लेती है ना फिर वो। ये तो है। चलो घर के नंबर से आगा को फोन भी करना है, बहुत देर हो गई। जी मैडम। क्या एंट्री है भाई, ये तो यहीं आ गया यार। क्या एंट्री है यार भाई, अब तो गेम ही पलट गई। ये तो गए। भाई गेम ही पलट गई पूरी। कुछ नहीं हो सकता अब, कुछ नहीं हो सकता, कोई माफी नहीं अब। आप आ गए, मैं आपको बहुत याद कर। घर पलटने में देर कर दी आज, मजबूरन अपनी फ्लाइट छोड़कर तुम्हें लेने आना पड़ा।
मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, घर जल्दी आना चाहिए था। मैं अपनी सहेली से मिलने आना चाहती थी, पता नहीं इतनी देर कैसे हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। मुझे माफ कर दे। शिट, अब परिजात भी यार। सारी गलती इसकी है, इसको पता था मैं अपनी सहेली से मिलना चाहती। जरा से इनाम और थोड़े से पैसों के लिए ये मुझे यहाँ तक, मुझे तो लगता है ये आपके दुश्मनों के साथ मिला है। पता नहीं मैं किस खतरे में। अच्छा आप आ गए, वरना पता नहीं क्या क्या कर रही हो यहाँ। तुम तो कह रहे थे कि कहीं और जाना है, हम क्यों लाए अपनी मालकिन, जानते हो ना ये जगह सेफ नहीं। आगा इसने तो कोई कसर नहीं छोड़ी आपके खिलाफ, मुझे पता नहीं क्या चाह रहा था ये। मैं तो शुक्र कर रही हूँ। क्या कह रही, सब समझ रहे वैसे वो मल। ये तो समझ गया होगा यार, अरे उसे तो पता ही है सब। मैडम ठीक कह रही है मालिक, नहीं उसे ये भी पता है। लाख रियाल लाया हूँ, सब पता है इसे। परिजात ऐसा मिल सके। कोई आखिरी ख्वाहिश तुम्हारी? मुझे मारने के बाद मेरी लाश को मस्क कर दीजिएगा। इस वजूद के साथ मैंने बहुत सहा है। दूसरा मौका देने का कायल नहीं हुआ है, और मेरी अदालत में गद्दारी की सजा सिर्फ एक ही है, और वो है मौत। फिरोज, इससे मिलने आ रही होगी, मिलने आती होगी सहेली। ये तो सहेली थी, बॉयफ्रेंड से मिलने आती थी। परिजात को भी झूठ बोला, सबको झूठ बोला। मुझे माफ कर। बस तो क्या तुम हार जाओ, ये नहीं छोड़ेगा। मजीद नहीं। हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। मैं अपनी पुरानी मोहब्बत में बह गई थी, मुझे माफ कर दे आगा। आगा मुझे माफ कर दे। पुरानी मोहब्बत मालिक, में गलती मेरी है, मालकिन की नहीं, उनको माफ कर देती। हाँ। मैं किसी के साथ ना इंसाफी नहीं करता। आगा 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 मुझे माफ कर दे। खत्म। शूट अच्छा करा ये शॉट जो लिया है ना। परिजात के मार दी क्या? पता है परिजात को, इसको दोनों को, तीनों खत्म हुए मुझे लग रहा है वो। यार गाइस, यार मतलब क्या खुलासा हुआ है भाई, जो एंट्री ली है ना, एंट्री क्या धांसू एंट्री थी यार। मतलब कहानी पलट गई बिल्कुल, किसी को कानों कान खबर नहीं है यार कि वो बंदा गया है नहीं गया। क्योंकि इसको शक तो बहुत पहले से था कि कुछ तो छुपा हाँ, रहा है, मतलब परिजात भी छुपा रहा है और ये भी, मतलब लेट आ रही है। दो बार ये लेट हुए हैं। हाँ। वो परिजात से पूछ रहा है, बंदा पूछ रहा है
क्यों लेट हुए, कहाँ लेट हुए? आज ये मतलब क्या पता ये झूठ बोल रहा होगी मेरी, हो सकता है शायद इसको क्या पता पकड़ने के लिए, इनको पकड़ने मैं निकलूं और ये वहां पहुंचे और फिर मैं आ जाऊं। क्या गेम खेल लिया यार, मजा आ गया गाइस। एक तो एक्टिंग इस बंदे की और यार ऊपर से डायलॉग भी अच्छे हैं, डायलॉग भी अच्छे हैं। और यार ये गोलियां चला दी, अब परिजात की भी लगी है क्या गोली? मैं तो ये समझ रहा हूँ क्योंकि छोड़ता नहीं है ये, छोड़ता नहीं है। पता नहीं क्या हुआ है गाइस, क्या जल्दी से देखो यार होगी, क्या स्टोरी है। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं एपिसोड को। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल गाइस, बेल आइकन को दबाना मत भूलना गाइस, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।